Hello everyone, welcome to the world of biology. I'm Mehmuna Iqbal and I hope so you all are going well. Today's video is about leapers. Leapers kya hain, inki different types kaun kaun si hain, inki different features kaun kaun si hain aur ye kis tarah ki nature hai, theek hai, aur ye kya kya properties hain inki, un sab cheezon ko hum discuss karenge. Chale, shuru karte hain. लीपर्स की हमारे पास डिफरेंट जो हैं उनकी फॉर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, देयर कॉन्फ़िगरेशन. अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास ये तीन जो एग्जांपल्स हैं लीपर्स की, अरेकिडिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पॉलमेटिक एसिड. इनकी जो है एक स्ट्रेट जो है फॉर्म है, कार्बन एटम जो इसके अंदर हैं वो एक स्ट्रेट पोजिशन में है. ये जो है एग्ज़ाम्पल्स हैं लीपर्स की. अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कुछ जो है इनकी बेंड फॉर्म में पोजिशन है, इनकी स्ट्रक्चर है, जैसे कि यूरिसिक एसिड, ओलिक एसिड हमारे पास आ जाते हैं. इस तरह फर्दर इनकी और मोल्डेड कन्फिग्रेशन है, जैसे कि अरेकिडोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड. ये इसकी डिफरेंट जो है लिपिड्स की फॉर्म्स हैं, एग्जांपल्स हैं, जो कि फर्दर जो है अपने एक सिंपलेस्ट फॉर्म टू फर्दर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लीपर्स, the biological functions of the leapers are as diverse as their chemistry. Fats and oils are the principal stored forms of energy in many organisms. Phospholipids and sterols, these are major structural elements of the biological membranes. Other leapers, although present in relatively small quantities, play crucial role as enzyme cofactors, electron carriers, light absorbing pigments, hydrophobic anchors for proteins, chaperones to help membrane proteins fold, emulsifying agents in the digestive tract. Basically last point में जो वो different leapers हैं उन वो उनका एक role है उसको बताया गया है, जैसे कि कुछ हैं enzymes, as enzymes cofactors जो अपना role play करते हैं, कुछ electron carriers होते हैं, कुछ जो leapers हैं वो light absorbing pigments जो हैं basically इनके accordingly जो है अपना function perform करते हैं, हाइड्रोफोबिक एंकर्स होते हैं प्रोटीन्स के लिए, चारपिरॉन्स जो कि बेसिक जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं उनकी फोल्ड में हेल्प आउट करते हैं, कुछ होते हैं मल्सिफाइंग एजेंट होते हैं किस डाइजेस्टिव ट्रैक्स में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन्स रेंजिंग फ्राम 4 to 36 कार्बन लॉन्ग. इसमें हमारे पास फैटी एसिड्स अगर हम देखें तो बेसिकली इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो चेन्स हैं उनकी लेंथ बेसिकली 4 to 36 है, 36 to 36. इन सम फैटी एसिड्स दिस चेन इज सैचुरेटेड विद नो डबल बॉन्ड एंड इन अदर्स द चेन कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड विच आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड. अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास फर्स्टली है स्टीरिक एसिड. ये क्या है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसकी जो बेसिकली ये चेन जो है फुल एक लॉन्ग स्ट्रेट फॉर्म में है, हाइड्रोकार्बन चेन है और इसमें 18 कार्बन प्रेजेंट हैं. और अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल देखें तो हमारे पास ओलिक एसिड की आ जाती है, इसके अंदर भी 18 कार्बन है लेकिन यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर में बेंड आ गया है, इसकी वजह से इसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसकी वजह से इसकी जो एक स्ट्रक्चर है वो इस तरह इसकी बेंड हुई हुई है. अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं 18:0, बेसिकली 18 इज कार्बन नंबर हाइड्रोकार्बन चेन में जो कार्बन नंबर है और रेशियो जीरो मींस इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है. ओलिक एसिड अगर हम ये देखें कि ये जो फिगर लिखा हुआ है उसमें 18 जो हमारे पास कार्बन है और 1 एक डबल बॉन्ड है, D9 बेसिकली इसके अंदर जो पोजीशन है बेसिकली उसको डिफाइन किया गया. देन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अडॉप्ट एन एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन. दिस इज डबल बॉन्ड इन ओलिक एसिड डजंट परमिट रोटेशन, रोटेशन ही ये अलाउ करेगा एंड इंट्रोड्यूसेस आ रिजिड बैंड इन द हाइड्रोकार्बन टेल. ऑल अदर बॉन्ड्स आर फ्री टू रोटेट, जितने भी अदर बॉन्ड्स हैं वो रोटेट होंगे लेकिन बेसिकली जो पॉइंट है वो रोटेशन नहीं करेगा. नेक्स्ट आ जाता है नोमेनक्लेचर. ए सिंप्लीफाइड नोमेनक्लेचर फॉर दीज कंपाउंड स्पेसिफाइज द चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच आर सेपरेटेड बाय अ कोलन. For example, the 16 carbon saturated palmitic acid is abbreviated 16:0 and the 18 carbon oleic acid with one double bond is 18:1. वही हमारे पास जो example हमने ली है palmitic acid की, तो उसमें 16 हमारे पास carbon है और उसमें कोई double bond नहीं है, उसको हम इस तरह लिखेंगे. अगर हमारे पास oleic acid example आ रही है तो उसके अंदर जो है वो 18 carbons हैं और एक double bond है तो हम उसको इस तरह लिखेंगे.
Next, the positions of any double bond are specified by superscript numbers of following delta. अगर हम एक example को लेते हैं, जैसे कि एक 20 carbon fatty acid है with one double bond between carbon 9 and carbon 10, C1 being the carboxylic carbon, and other between C12 and C13, carbon 12 और carbon 13 जो है is designated as, अगर ये हम पूरा ये जो लिखा हुआ है एक portion, एक basically इसके example को हम एक summarize करके फिगर्स में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 20 हमारे पास कार्बन फैटी एसिड थे, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है दो डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड की पोजीशन जो बेसिकली बताई गई है वो 9 और 12, ये हमारे पास कार्बन नंबर, देन हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड कितने हैं और देन उनकी पोजीशन कौन कौन सी है, उसके बारे में इसको सबको समराइज करके इस तरह लिखा जाएगा. The most commonly occurring fatty acids have even numbers of carbon atoms in an unbranched chain of 12 to 24 carbons. आ जाता है स्टोरेज लेयर्स. The fats and oils used almost universally as stored forms of energy in living organisms are derivatives of fatty acids. The fatty acids are hydrocarbon derivatives at about the same low oxidation state, that is as highly reduced as the hydrocarbons in fossil fuels. Basically, storage lipids के अंदर fats and oils आ जाते हैं जो universally used होते हैं, और ये क्या है, energy का एक form है living organisms में, और fatty acids क्या हैं, hydrocarbons हैं, और इनकी जो same oxidation स्टेट है वो लो है एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन इन द फॉसिल फ्यूल्स. नेक्स्ट, द सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स लाइक द कंट्रोल्ड रैपिड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबस्टन इंजन्स इज हाईली एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट आ जाता है फैटी एसिड्स एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स. Fatty acids are carboxylic acids with hydrocarbon chains ranging from 4 to 36 carbon long, C4 to C36. In some fatty acids, this chain is unbranched and fully saturated, contains no double bond, and in others, the chain contains one or more double bond. ये basically जो fatty acids हैं उनमें carbon का number बताया गया है, 4 to 36 carbon long chain है, और fatty acids जो हैं वो कुछ unbranched होते हैं जिनको हम fully saturated fatty acid कह सकते हैं, कुछ जो हैं वो double bond के साथ होते हैं, basically आ जाएंगे unsaturated fatty acids में. Next, a few certain fatty acids contain the three carbon rings, hydroxyl groups or methyl group branches. Next is trans fatty acids. These are produced by fermentation in the rumen of dairy animals and are obtained from dairy products and meat. Basically, ये जो trans fatty acid है ये fermentation process के जरिए जो है ये produce होता है जो dairy animals हैं उनके rumen में, और इनमें इसके और ये ज़्यादातर जो है obtained होता है dairy products में, meat में. They are also produced during hydrogenation of fish or vegetable oils. Because diets high in trans fatty acids correlate with increased blood levels of LDL, low density lipoprotein, which is comes in the situation of the bad cholesterol, and decreased HDL, high density lipoprotein, good cholesterol, it is generally recommended that one avoid large amount of these fatty acids. Unfortunately, French fries, donuts, and cookies tend to be high in trans fatty acids. The physical properties of the fatty acids are of the compounds that contain them are largely determined by the length and degree of unsaturation of the hydrocarbon chains. कि अगर इनकी physical properties देखें तो उसमें जो fatty acids हैं उनमें उनकी length और degree of unsaturation है उस property को देख के ये find out किया जाता है उनकी basically property और उनकी capacity को जो है determine किया जाता है. और इसमें जैसे कि French fries हो गए, डोनट्स हो गए, कुकीज हो गए, ये सारी जो चीजें हैं इनके अंदर हाई होता है ट्रांस फैटी एसिड्स. वैक्सीज सर्व एज एनर्जी स्टोर्स एंड वाटर रिपेलेंट्स. बायोलॉजिकल वैक्सीज आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन C14 टू C36 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद लॉन्ग चेन C16 टू C30 अल्कोहल्स. जो बायोलॉजिकल वैक्सीज हैं उनमें जो वो बेसिकली आर ईस्टर्स हैं लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की और लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की. जो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड है उनमें उनका कार्बन नंबर 14 टू 36 है, और जो अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनमें कार्बन जो नंबर है C16 टू C30 तक है. देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर जनरली higher than triglycerides. Vaccines also serve as diversity of other functions related to their water repellent property and their firm consistency.
For example, certain skin glands or vertebrates secrete waxes to protect hair and skin and keep it flexible, lubricated and waterproof. कि जो ये biological waxes हैं इनका melting point hard होता है triglyceride से और ये क्या है ये serve करती हैं they also serve a diversity of other functions जिसमें water repellent property आ जाती है इनकी firm consistency होती है इसमें अगर हमने example देखी है skin gland की vertebrates के अंदर जो skin glands हैं वो secrete करते हैं wax को जो कि flexibility, lubrication और waterproof property जो है वो show करते हैं The shiny leaves of holly, rhododendrons, poison ivy and many tropical plants so, जितनी भी plant की species हैं are coated with a thick layer of waxes which prevents excessive evaporation of water and protect against parasites Birds, अगर birds की example लें particularly waterfowl जो waterfowl हैं secrete waxes from their preen glands जो preen glands हैं basically इन birds की जो tail है उनकी dorsal side पे present होता है एक gland जो के help जो के secrete करता है जो wax को to keep their feathers water repellent Next, biological waxes find a variety of applications in the pharmaceutical, cosmetic and other industries Next, lanolin जो बेसिकली एक ऑयल है फ्रॉम विच इज़ फ्रॉम लैम्स वूल एंड बीज वैक्स कैरानोबा वैक्स फ्रॉम अ ब्राज़ीलियन पाम ट्री एंड अ वैक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पर्मिसिटी ऑयल आर वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लोशंस ऑइंटमेंट्स एंड पॉलिशेस जाता है द मेजर कंपोनेंट ऑफ बीज वैक्स इसमें इसके टू कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट वन इज द पॉलमिटिक एसिड एंड सेकंड वन इज द वन ट्राई एक्ंथनोल और ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर कंबाइन करके जो बी वैक्स हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं नेक्स्ट अगर देखें तो लिपिड्स हैव लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटीज देन वाटर विच एक्सप्लेन व्हाई मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर फॉर एग्जांपल ऑयल एंड विनेगर सैलड ड्रेसिंग हैव टू फेजेस ऑयल विद द लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोट्स ऑन द एक्विस फेज के हमने फेज लिया हमने जैसे कि एग्जांपल के लिए हम वाटर ले लें उसके अंदर जो है हम ऑयल मिक्स करें तो ऑयल जो है फ्लोट कर जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ दीज कंपाउंड विच इन्वॉल्व कंडेंसेशन ऑफ टू कार्बन एसीटेट यूनिट्स दिस इज ऑल्सो अ कॉमन पैटर्न इन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन मोस्ट मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स द डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन 9 एंड कार्बन 10 एंड इन द अदर डबल बॉन्ड्स ऑफ पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर जनरली 12 एंड 15 के अगर सिंथेसिस हो रहा है कंपाउंड की सिंथेसिस हो रही है उसके अंदर कंडेंसेशन जो प्रोसीजर है उसमें दो कार्बन यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे और उसमें बेसिक जो पैटर्न है वो होगा डबल बॉन्ड्स की जो लोकेशन है उन पे होगा और बेसिकली अगर हम देखें तो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनके डबल बॉन्ड के जो जैसे कि C9 और 10 के दरमियान है तो वहाँ पे ये प्रोसेस होगा और जो डबल बॉन्ड है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में उनमें 12 एंड 15 बेसिकली इनमें जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनके अंदर जो कंडेंसेशन प्रोसीजर है वो अकर होगा In nearly all naturally occurring unsaturated fatty acids, the double bond are in the cis configuration. Trans fatty acids are produced by fermentation in the rumen of dairy animals and are obtained from dairy products and meat. Triacyl glycerols are fatty acids instead of glycerols. These are the simplest lipids constructed from fatty acids are the triacyl glycerols, also referred to as triglycerides, fats or neutral fats. The triacyl glycerol is composed of three fatty acids, each in ester linkage with a single glycerol. के glycerol जो single molecule है उसके साथ three fatty acids जो हैं वो attach हुए हैं तो वो मिलके कौन सा molecule बनाएंगे triacyl glycerol. Those containing the same kind of fatty acids in all three positions are called simple triacyl glycerols. Simple triacyl glycerols of 16:0, 18:0 and 18:1 for example are tristerine, tripalmitin and triolein respectively कि ये जो 16:1 है इस मॉलिक्यूल में है 18:1 जो है वो tripalmitin में है और 18:1 जो है वो triolein में है Most naturally occurring triacyl glycerols are mixed they contain two or more different fatty acids To name these compounds unambiguously the name and position of each fatty acid must be specified Next is triacyl glycerols provide stored energy and insulation. The most eukaryotic cells, triacyl glycerols, form a separate phase of microscopic oily droplets in the aqueous
साइटोसोल सर्विंग एज डेपोट्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, कि यूकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर ट्राइथाइल गैस रोल्स हैं वो सेपरेट फेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया, और वो ऑयली ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बनते हैं एक्विस साइटोसोल में और वो सर्व करते हैं एज डेपोट्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल. इन वर्टिब्रेट्स स्पेशलाइज सेल कॉल्ड एडिपोसाइट्स आर फैट सेल्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्राइथाइल गैस रोल्स एज फैट ड्रॉपलेट्स दैट न्यूअरली फिल दिस सेल. कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एडिपोसाइट्स जो स्ट्रक्चर है बेसिकली फैट सेल्स हैं, वो क्या करते हैं स्टोर करते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स को एज फैट ड्रॉपलेट्स जो है उसको स्टोर करके भी फर्दर उसका जो यूज होता है. नेक्स्ट इज ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स आर आल्सो स्टोर एज ऑयल्स इन द सीड्स ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर ड्यूरिंग दी सीड जर्मिनेशन. के प्लांट्स के सीड्स में भी ये प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, जो जर्मिनेशन के दौरान जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है और फर्दर जो प्रोसेस है वो अकर होता है. एडिपोसाइट्स एंड जर्मिनेटिंग सीड कॉन्टेन लाइपेजिस इंजाइम दैट कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टोर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स रिलीजिंग फैटी एसिड फॉर एक्सपोर्ट टू साइट वेयर दे आर रिक्वायर्ड एज फ्यूल. कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं या फिर एडिपोसाइट्स हैं उसके अंदर जितने भी लाइपेजेस प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, जब प्रोसीजर प्रोसेस हो रहा होता है एंजाइम जो कैटालाइज करता है हाइड्रोलाइसिस को, तो उसके दौरान जो रिलीज होते हैं फैटी एसिड वो फिर उस साइट तक जाते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की एज फ्यूल ये यूज होते हैं. देर आर टू सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस टू यूजिंग ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एज स्टोर फ्यूल्स rather than polysaccharides such as glycogen and starch. जैसे polysaccharides में glycogen और starch हैं वो as use हो रहे थे, उसके उनके advantages थे, stored fuels थे, और लेकिन यहाँ पर जो triacyl glycerols के जो हैं advantages उनसे ज़्यादा important हैं. First one is the because the carbon atom of fatty acids are more reduced than those of sugars, oxidation of triacyl glycerols yields more than twice as much as energy gram for gram as the oxidation of carbohydrates. कि कोई भी procedure हो रहा है कार्बन आइटम्स हैं फैटी एसिड्स के रिडक्शन जो हो रही उनमें जो रिड्यूस हो रही हैं शुगर के अंदर जो कार्बन आइटम है उसके बाद क्या है कि जो एनर्जी है वो ट्वाइस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ग्राम फॉर ग्राम जितने भी ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Secondly, because triacyl glycerols are hydrophobic and therefore unhydrated, the organism that carries fat as fuel doesn't have to carry the extra weight of water of hydration that is associated with stored polysaccharides. के जो secondly क्या है ये triacyl glycerols हैं ये hydrophobic हैं, इनमें water content नहीं है और इसलिए जो organism को के लिए carry करना ये इतना easy है, इतना इसका weight नहीं होता. जैसे polysaccharides जो हैं stored polysaccharides उनके अंदर water content होता है इसलिए उनका weight show होता है और इनका weight show नहीं होता. Next, humans have fat tissues composed primarily of adipocytes under the skin in the abdominal cavity and in the mammary gland. के mammary gland और abdominal cavity में जो under the skin जो है वो humans में fat tissues होते हैं. Moderately obese people with 15 to 20 kg of triacyl glycerol deposit in their adipocytes could meet their energy need for months by rely on their fat store. वो जितने भी obese people हैं healthy पीपल हैं उनके अंदर 15 टू 20 के जी मोर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल डिपॉजिट होता है और वो उसकी एज एनर्जी यूज़ हो सकता है और वो रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर फॉर मंथ्स. In some animals, triacyl glycerol stored under the skin serve not only as energy store but as insulation against low temperatures. जितने भी ये low temperature पे animals होते हैं वो जो हैं उनके अंदर जो है basically ये present होते हैं, insulation का काम करते हैं ये triacyl glycerols. For example, seals, walruses, penguins and other warm-blooded polar animals are amply padded with triacyl glycerols के उनके जो जो structure हैं जिसे amply पैडेड के उनके वो जो फीट हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे बेसिकली इनकी जो स्टोरेज होती है वो फर्दर इनको मूवमेंट के एनिमल की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बियर, जो बियर है हाइबरनेटिंग एनिमल है उसके अंदर क्या है कि दी ह्यूज फैट रिजर्व एक्यूमुलेटेड बिफोर हाइबरनेशन सर्व द ड्यूअल पर्पज ऑफ इंसुलेशन एंड एनर्जी. ये इंसुलेशन और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द लो डेंसिटी ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स इज द बेसिस फॉर अनदर रिमार्केबल फंक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स. नेक्स्ट अगर देखें इन स्पर्म व्हेल्स, अ स्टोर ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स एंड वैक्सीज अलाउ द एनिमल्स टू मैच द बर्नसी ऑफ देयर बॉडीज टू डेट ऑफ देयर सराउंडिंग्स ड्यूरिंग डीप डाइव्स इन द कोल्ड वाटर. जब कोल्ड वाटर के अंदर डीप डाइव्स के लिए इन्होंने आगे मूव करना होता है तो उसमें ये बेसिकली जो स्टोर्ड ग्लिसरॉल्स हैं ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स हैं ये क्या करते हैं इनको हेल्प आउट करते हैं.
Next, many foods contain triacylglycerols. Most natural fats, such as those in vegetable oils, dairy products, and animal fats, are complex mixture of simple and mixed triacylglycerols. These contain a variety of fatty acids differing in chain length and degree of saturation. Vegetable oils, such as corn, maize, and olive oil, are composed largely of triacylglycerols with unsaturated fatty acids and thus are liquid at room temperature. के जितने भी food हैं, such as vegetable oils, dairy products, animal, जैसे further जो animal fat है और further जो कॉर्न है, मेज, ऑलिव ऑयल है, वो सब इनमें जो है ट्राइसाइलग्लिसरॉल जो प्रेजेंट होता है, और बेसिकली उनकी कैपेसिटी को फाइंड आउट किया जाता है बाय व्यूइंग द चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन. They are converted industrially into solid fats by catalytic hydrogenation, which reduces some of their double bonds to single bonds and convert other to trans double bonds. के industrially जो oils हैं वो liquid form उनकी जो है उसको solid form में change करने के लिए जो है वो catalytic hydrogenation जो process है उसको run out किया जाता है, जिसमें उनके double bond को single bond में जो है वो change किया जाता है. Next, triacylglycerols containing only saturated fatty acids such as triacetyrene, the major component of beef fat, are white, greasy solid at room temperature. When people reach food are exposed too long to oxygen in air, they may spoil. The unpleasant taste and smell associated with rancidity result from the oxidative cleavage of the double bonds in unsaturated fatty acids, which produces aldehydes and carboxylic acid of shorter chain length and therefore higher volatility. कई दफ़ा ऑयल्स के अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल और जो उसका टेस्ट है वो जस्ट बिकॉज अकर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ द डबल बॉन्ड, जिसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द शॉर्टर चेन लेंथ, और वो इन होते हैं देयरफॉर हायर वोलेटिलिटी. Next, structural lipids in membrane. The central architectural feature of biological membrane is a double layer of lipids which act as a barrier to the passage of polar molecules and ions. के जो lipids हैं structural वो कई दफ़ा barrier के तौर पर act करते हैं membrane में, जो कि passage को allow करते हैं polar molecules के passage को और ions के. Membrane lipids are amphipathic. One end of the molecule is hydrophobic, the other is hydrophilic. Their hydrophobic interaction with each other and their hydrophilic interaction with water direct their packing into sheets called membrane bilayers. Next, types of the membrane lipids. First one is the glycerophospholipids, in which the hydrophobic regions are composed of two fatty acids joined to glycerols. के two fatty acids जो हैं hydrophobic regions के वो क्या होते हैं glycerols के साथ join हुए होते हैं. Second one is the lactolipids and sulfolipids, which also contain two fatty acids esterified to glycerol, but lack the characteristic phosphate of phospholipids. Third one is the archaeobacterial tetraether lipids, in which two very long alkyl chains are ether linked to glycerol at both ends. इसमें जो है वो फैटी एसिड जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें अल्काइल जो चेन्स जो बनी होती हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं ग्लाइसरोल के साथ, ईथर लिंक्ड होती हैं बोथ एंड्स पे. थर्ड फोर्थ वन इज द स्फिंगोलिपिड्स, इन विच आर सिंगल फैटी एसिड इज जॉइंट फॉर फैटी अमाइन, स्फिंगोसिन एंड स्टीरोल्स कंपाउंड्स characterized by a rigid system of four fused hydrocarbon rings. The hydrophilic moieties in these amphipathic compounds may be as simple as a single OH group at one end of the sterol ring system, or they may be much more complex. के जो sphingolipids हैं इसके अंदर fatty acid एक single जो है वो इन three जो compounds हैं उनके साथ join किया गया था और अपनी rigid system और एक अपनी characteristics जो है उसको जो है build up करता है. In glycerophospholipids and some sphingolipids, a polar head group is joined to the hydrophobic moiety by a phosphodiester linkage. These are the phospholipids. कि phosphodiester जो linkage है उसकी जो help out से जो एक जो है molecule या फिर वो जितना भी आगे से further जो है compound construct होते हैं वो क्या होते हैं phospholipids. Next one is the other sphingolipids lack phosphate but have a simple sugar or complex oligosaccharides at their polar ends. These are the glycolipids. लिपर्स अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास जो है स्टोरेज लिपर्स हैं न्यूट्रल एंड द मेम्ब्रेन लिपर्स पोलर. स्टोरेज लिपर न्यूट्रल्स में फर्दर इसकी कैटेगरी है ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, इसके अंदर ग्लाइसरोल इज विद थ्री फैटी एसिड्स. नेक्स्ट मेम्ब्रेन लिपर्स पोलर की टू कैटेगरीज हैं फॉस्फोलिपर्स एंड ग्लाइकोलिपर्स. फॉस्फोलिपर्स हैव फर्दर सब डिवीजन, फर्स्ट वन इज द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपर्स एंड द स्फिंगोलिपर्स. द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपर इज विद द ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल विद टू फैटी एसिड फॉस्फेट ग्रुप एंड अल्कोहल. स्फिंगोलिपर्स में स्फिंगोसिन with one fatty acid phosphate group and choline, and the glycolipids the subcategories sphingolipids having the sphingosine
with one fatty acid, mono and the oligosaccharides. नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड्स, ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, इसके जो थ्री कार्बन है इसके अंदर थर्ड कार्बन के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है. दी बैकबोन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स एल ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट और डी ग्लिसरॉल 1-फॉस्फेट. इसको ऐसे हम जो है वो प्रोनाउंसिएशन इसकी वैसी होगी. नेक्स्ट इज ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड इन विच टू फैटी एसिड्स आर अटैच इन ईस्टर लिंकेज टू द फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लाइसरोल. द थर्ड कार्बन ऑफ ग्लाइसरोल हैज अ हाईली पोलर्ड और अ चार्ज्ड ग्रुप अटैच थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स का, एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें थ्री कार्बन एटम्स हैं. फर्स्ट कार्बन एटम के साथ जो है वो CH2O सी डबल बॉन्ड O, और आगे फर्दर जो एक है जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, फुल एक सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है बेसिकली वो एक फॉर्म हुआ हुआ है. सेकंड ग्रुप का भी वही है, वैसी ही इसकी सिचुएशन है, लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड है विच जो एक्ट एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. और जो थर्ड इसका जो कार्बन है उसके साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और साथ एक हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच है. नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट कुछ इसकी जो कैटेगरीज हैं नेम्स ऑफ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स की. उसके अंदर फर्स्ट वन इज द फॉस्फेटिडिक एसिड. इसकी जो फॉर्मेशन कैसी होगी, अगर हम वो सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, उसके अंदर जो है एक्स की जगह हम अगर एच लगा देंगे उसका, उसको इसको इनपुट कर देंगे, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और इसका नेट चार्ज है -1 एट pH 7. नेक्स्ट इज जी फॉस्फेटिडाइल इथानोल एमाइन. इसकी फॉर्मेशन कैसे होनी है कि अगर हम जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स, उसके जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे एथानोल एमाइन विद दिस स्ट्रक्चर जो है इनपुट कर देंगे, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और इसका नेट चार्ज है 0 एट pH 7. इसी तरह फॉस्फेटिडाइल कोलीन की फॉर्मेशन के लिए हम कोलीन जो है मॉलिक्यूल इसकी इनपुट करेंगे जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जगह पे, तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा और इसका नेट चार्ज है 0 एट pH 7. नेक्स्ट इज फॉस्फेटिडाइल सीरीन. इसमें अगर हम सीरीन मॉलिक्यूल विद दिस स्ट्रक्चर जो है इसको इनपुट करेंगे, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, इसका नेट चार्ज है -1 एट pH 7. नेक्स्ट इज दी फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल. इसमें अगर हम ग्लाइसरोल विद दिस स्ट्रक्चर इसकी इनपुट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जगह पे, तो हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और इसमें -1 जो है इसका नेट चार्ज है एट pH 7. नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5-बिसफॉस्फेट. इसमें अगर हम मायो इनोसिटोल 4,5-बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल विद दिस स्ट्रक्चर इनपुट करेंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी और इसका नेट चार्ज है -4. नेक्स्ट इज दी कार्डियोलिपिन. इसमें हम जो है फॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल की अगर विद दिस स्ट्रक्चर जो है हम इनपुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और इसका नेट चार्ज है -2 एट pH 7. नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैटी एसिड्स इन ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म. द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएशन इन फैटी एसिड्स एंड हेड ग्रुप्स इज नॉट येट अंडरस्टूड. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फेटिडाइल कोलीन. ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है. दिस इज दिस 3D स्ट्रक्चर. इसके अंदर सैचुरेटेड चेन आ रही है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है उसका इनपुट, और ये फर्दर उसका एक पूरा जो है वो फॉस्फेटिडाइल कोलीन का एक स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोलिपिड्स विद ईथर लिंक फैटी एसिड्स. इसमें ईथर लिंक एल्कीन इन्वॉल्व है. इसमें हमारे पास वही थ्री कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो एल्कीन ग्रुप जो है एडअप हुआ है विद सैचुरेटेड चेन, फैटी एसिड चेन, और जो सेकंड ग्रुप है उसके साथ जो है सेकंड कार्बन है सॉरी उसके साथ जो है वही जो है ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन. एंड थर्ड वन इज थर्ड जो कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप है विद दी कोलीन मॉलिक्यूल, और ये फुल जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा वो इथर लिंक्ड एल्कीन है. इसका बेसिकली अबाउट हाफ ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इन वर्टिब्रेट्स हार्ट टिश्यूज आर प्लाज्मेलोजेन्स. नेक्स्ट ईथर लिंक एल्केन. इसमें फर्स्ट कार्बन के अंदर जो है वो उसके साथ जो है वो एल्केन ग्रुप अटैच है विद द सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन. जो सेकंड कार्बन है उसके साथ आगे जाके एसिटाइल एस्टर जो है वो इन जो है एडअप हो जाएगा. थर्ड कार्बन के साथ वही फॉस्फेट ग्रुप और जो है कोलीन मॉलिक्यूल. फुल ये एक बेसिक स्ट्रक्चर. इसमें बेसिकली पीछे जो है वो 2 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की चेन थी, यहाँ पे जस्ट एक 1 जो है वो चेन प्रेजेंट है. बेसिकली दिस इज द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. दिस मॉलिक्यूलर सिग्नल इज रिलीज फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स
basophils and stimulate platelet aggregation and the release of serotonin, a vasoconstrictor from platelets. It also plays an important role in inflammation and the allergic responses. के जो ये basically ये platelet activating factor जो है ये signal release करता है leukocytes से जो कि stimulate करते हैं platelet aggregation को जो फिर आगे से further serotonin जो है platelet से उनकी secretion होती है उनका release होता है जो कि एक vasoconstrictor है और ये क्या एक play important role करते हैं in inflammation and allergic responses. That's all. Thank you for watching. I hope you all will like my this video. Press on the like button. Also subscribe my channel. Also press on the bell icon for the further new video notifications and also share my video. Thank you. Jazakallah.